भारतीय वायुसेना सेवा प्रचार प्रसार अभियान पब्लिक सिटी ड्राइव के दूसरे दिन शासकीय पीजी कॉलेज खरगोन और पॉलिटेक्निक कॉलेज खरगोन में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 400 से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता कर भारतीय वायुसेना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वायु सेवा के सार्जेंट सुशांत कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक युवक का सपना होता है कैसे देश के काम आऊं, जब सीने में सुलगती आग देश प्रेम की अग्नि हो, देश सेवा के लिए तन मन समर्पित हो तो एक मौका है। अग्नि वायु के रूप में वायु सेवा में प्रवेश का गर्व से भरा उज्जवल भविष्य के लिए अग्नि वायु एक मौका है, देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका है। सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने का युवाओं की रग रग में बसा देश सेवा का जोश जज्बा और जुनून अग्निवीर अग्नि वायु के प्रशिक्षण से निखर जाता है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में 2 दिवसीय वायु सेना के जन जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन सार्जेंट सुशांत कुमार सिंह ने स्थानीय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में प्रातःकालीन शिफ्ट एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज में दोपहरकालीन शिफ्ट में आयोजित भारतीय वायु सेवा के प्रचार प्रसार अभियान के तहत पब्लिसिटी ड्राइव कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय विद्यार्थियों से कही। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। और साथ में है अग्नि जैसा तेज, तो तैयार हो जाएंगे अग्नि पथ पर चलने के लिए। अग्नि पथ बन सकता है आपके लिए अवसर पथ, आप बन सकते हैं अग्नि। भारतीय वायु थल एवं नौसेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने का सुनहरा मौका। 4 साल के लिए सेना में भर्ती, 4 साल बाद सेना में स्थायी भर्ती का मौका। 17.5 से 20 वर्ष की उम्र सीमा, पूरे देश के युवाओं को अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ठीक है, मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में आपकी हाइट चेक करी जाएगी। हाइट कितनी होनी चाहिए, लड़कों के लिए 152.5 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 152.52 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर और 152.5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? उसके अलावा क्या होता है कि और भी चीजें आपकी चेक हो जाएंगी, जैसे आइट साइट क्या है आपका और आपके पास ऐसी कोई बीमारियां वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक करेंगे। टैटू का विशेष ख्याल रखना, अगर टैटू किसी ने नहीं बनवाया तो टैटू मत बनाना, टैटू परमिटेड नहीं होता है, तो टैटू मत बनाना, टैटू नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जो बच्चे इन तीनों टेस्ट में पास कर लेंगे उनका एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रैंक लिस्ट बनेगा। जैसे आप 12वीं की एग्जाम देते हो, ऑपरेशन एग्जाम देते हो, तो एक आती है ना, जैसे एमपी के रिजल्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।